अदर वैक्सीन्स। और यही नहीं, मुंब्रा की बड़ी समस्याएं जैसे कि एडिक्शन और ऐसी ही बीमारियों के लिए भी प्रिवेंटिव एंड रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज अवेलेबल की गई है। हमारा यही मोटो है कि हम एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएं जो लोगों को अपना सा लगे। मेडफोर्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो कि 60 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, यहाँ पर हमने कुछ सर्विसेज रखी है जैसे कि क्यूरेटिव सर्विसेज है, प्रिवेंटिव सर्विसेज है, रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज है, डायग्नोस्टिक सर्विसेज है। मैंने और मेरे जो पार्टनर है मिस्टर मेहरा जरीवाला सर, हमने सोचा था कि मुंब्रा के लिए हम कुछ अच्छा बनाएं, कुछ अच्छा करें, जैसे कि बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ विथ लो इकोनॉमिकल एंड अफोर्डेबल रेट्स में हम पब्लिक को सर्विस दें, इसलिए हमने ये हॉस्पिटल बनाया। सो प्लीज डू विजिट अस एट मेडफोर्ड हॉस्पिटल। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मेडफोर्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां हमारा विजन है टू बी अ स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी दैट सर्व्स नॉट ओनली द इलाइट फ्यू बट जनरल पब्लिक एट लार्ज। और हमारा मिशन है टू ओपन अ चेन ऑफ हॉस्पिटल्स टू सर्व द लोअर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी, अगेन एट अफोर्डेबल कॉस्ट। Thank you so much everyone and we are looking forward to serving you at Medfort Multispeciality Hospital. कानूनी कार्रवाई हो गई एक मौलाना पर मदरसे में पढ़ाते वक्त। एक मदरसा है भिवंडी में निजामपुरा के अंदर, जिसका वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ और ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बाद प्रूफ के आधार पर उस मौलाना पे कानूनी कार्रवाई हो गई। मदरसे के अंदर बच्चे जाते हैं अरबी सीखने के लिए, कुरान पढ़ने के लिए, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जल्दी पढ़ नहीं पाते हैं, जल्दी सीख नहीं पाते। मौलाना ने उस बच्चे को थोड़ा मारना था तो ज्यादा मार दिया। ज्यादा मारने के कारण उस बच्चे को एडमिट करना पड़ा हॉस्पिटल में। किस तरह से उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हुई है। छोटे बच्चे जब अरबी सीखने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, उसमें नोक झोंक तो चलती है, लेकिन इतना नहीं मारना चाहिए था उस बच्चे को ताकि उसको एडमिट करना पड़े। दो दिन वो अस्पताल में एडमिट रहा बच्चा, मदरसे के ट्रस्टी उन्होंने कानूनी कार्रवाई कर दी है। मौलाना पहले तो फरार हो गए थे, उसके बाद में उनको पुलिस ने पकड़ लिया। जिस वक्त ये मौलाना उस बच्चे की पिटाई कर रहे थे, उनके साथ में दो अन्य और मौलाना थे जो जुर्म होते हुए देख रहे थे, लेकिन उनकी ये गलती थी, इस मौलाना को उन्होंने रोका नहीं, जिसके चलते वो दो और भी मौलाना को ट्रस्टियों ने निकाल दिया, यानी कि उस मदरसे से उनको भी निकाल दिया गया, क्योंकि जुर्म होते हुए देख रहे थे, उन्होंने उस वक्त रोकना चाहिए था, लेकिन उन दोनों मौलाना ने भी इनको रोक नहीं पाया और बच्चे की जमकर पिटाई हुई। किस तरह से है ये भिवंडी निजामपुरा का ये वायरल वीडियो, आइए देखिए हमारे इस खबर में। सही बात है कि एक छोटे बच्चे के साथ जो इसी मदरसे का तालिब इल्म है या पढ़ने वाला विद्यार्थी है, उसके साथ उन्होंने ज्यादती किया। अच्छा, जिसे हम लोगों को खबर लगी, हमने बच्चे के सरपरस्त को, इनके गार्जियन को भी बुलवाया, उसके बाद अपने स्टाफ को भी हमने जमा किया जिन्होंने ऐसी ज्यादती की थी, उनसे हमने सवाल जवाब किया। हम लोग भी गुस्से में थे, हमने मजम्मत किया, यहाँ तक कि उस मौके पर दो स्टाफ में से दो और मौजूद थे, हमने उनसे कहा कि ऐसा जुल्म हो रहा था तो आपने उसे रोका क्यों नहीं, इसका मतलब कि आप भी उस जुल्म में बराबर के शरीक हो। तो हमने फौरन कार्रवाई करते हुए तीनों को हमने अपने स्कूल से निकाल लिया। और बच्चे के जो सरपरस्त हैं समझे, उनसे मैंने पूछा कि ये मैंने मैनेजमेंट वालों की कार्रवाई है, हमने निकाल दिया है, अगर आप चाहते हो तो हम आपके साथ दूसरी कानूनी कार्रवाई करने के तैयार हैं, चलिए हम FIR कर दें। तो उन्होंने कहा मुझे आपकी कार्रवाई से इत्मीनान है और हमने अपने बच्चे से मुलाकात करके उसे भी देखा है, उसके दिल में किसी तरह कोई खौफ नहीं। मैंने बच्चे के वालिद से, बाप से कहा कि अगर तुम चाहो तो अपने बच्चे को ले भी जा सकते हो, या ज़्यादा नहीं तो एक हफ्ते के लिए लेके चले जाओ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने बच्चों को बिल्कुल नहीं ले जाऊँगा, मेरा बच्चा यही रहेगा और हम भी आपके इंतज़ाम से सारी चीज़ों में बिल्कुल मुतमईन हैं और हमारा बच्चा भी मुतमईन है। एक समझ लीजिए कि एक ना होने वाली चीज़ तो हो गई समझे, और हमें इस सिलसिले में कोई आगे कोई कार्रवाई नहीं करनी है। ये तो 3 महीने पहले की बात थी जो हमने उसके वालिद से सारी बातें लिखवा कर ले लिया था। अब 3 महीने के बाद अचानक न मालूम किसके, हमारे यहाँ सीसी फुटेज से जो है किसी ने फोटो लिया
और उसके अलावा क्या कहते हैं, उसने 3 महीने के बाद वायरल करना शुरू किया। जब जवाब ज़्यादा फैली तो हमने कहा अब कुछ ना कुछ जो है इस सिलसिले में कार्रवाई होनी चाहिए। तो हम लोगों ने अपनी सेफ्टी या इसके अलावा कानून से मदद लेने के लिए जो है हम लोगों ने जाकर खिलाफ FIR किया पुलिस स्टेशन में, जो पूरी तरह से FIR दर्ज हो चुकी है। अब बकिया इसके बाद अहलकारों की जिम्मेदारी क्या कार्रवाई करते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।